हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक हैं। और ये है कीप कमिंग बैक फूड कॉर्नर। और यहां पे एंटर करने के बाद काफ़ी एक शानदार सा व्यू हमें देखने को मिल जाता है, जिसके राइट हैंड साइड में काफ़ी ज़्यादा शानदार एक पेंटिंग है और ठीक उसके ऑपोजिट साइड में, जो कि लेफ्ट साइड में, बलून से सजाया गया है। यहाँ पे दो लाइट्स आपको दिख जाएंगी काफ़ी विंटेज लुक वाली, और यहाँ पे स्टेयर्स को ग्लिटरी तरीके से सजाया गया है, और ठीक उस स्टेयर्स के साइड में एक साइकिल वाला लाइट है। और ऊपर चढ़ने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा पेंटिंग देखने को मिल जाता है, जिसमें एक बंदा स्मोक कर रहा है। और यहाँ पे टायर वाले जो है सीट्स हैं, और यहाँ पे जो है ये सामने इनका किचन है। तो हेलो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आपने सिनेमैटिक्स में ऑलरेडी देखा कि आज मैं फिर से आ गया हूँ खड़गपुर में खुली हुई एक नई रेस्टोरेंट में, जिसका नाम है कीप कमिंग बैक। और हमारे सामने जो बैठे हुए हैं ये ओनर है यहाँ पे, और यही मतलब सारा करती है, मतलब शी इज टेकिंग अ गुड इनिशिएटिव एंड शी इज स्टार्टिंग इट अप फ्रॉम द स्क्रैच। तो आपका नाम क्या है और थोड़ा हाई कर दीजिए। हाय गाइस, और आप इंट्रोडक्शन दे दीजिए अपना। इट्स अमीशा यर, और ये कैफे अराउंड 11th October 2021 से खुला हुआ है, एंड बस अब आगे आपको। और आपने मतलब कैसे ये इनिशिएटिव लिया, मतलब व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड ओपनिंग दिस कैफे, ये थोड़ा बता दीजिए व्यूअर्स को। वैसे हम लोग तीन जन मिलके कैफे को खोला है हमने, और हम लोग बस यही सोचे हैं कि जैसे कि हम यंगस्टर्स को चाहिए होता है एक जैसे कैफे हो जहाँ पे सब आ सके और अपना टाइम स्पेंड कर सके, तो उन सारी चीज़ों को ही ध्यान में रखते हुए हमने ये कैफे खोला है। ओके, मतलब यंगस्टर्स मेन फोकस है। मेन फोकस हमारा यंगस्टर्स का। और आपके यहाँ पे मतलब मेन जो फूड है, मतलब सबसे ज्यादा प्रेफरेबल क्या है, मतलब सबसे अच्छा कौन सा है, मतलब जो आप सजेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे अच्छा, मतलब पहले तो क्या-क्या रखती हैं आप, थोड़ा बता दीजिए, हाईलाइट दे दीजिए, मतलब क्या-क्या अवेलेबल होता है, सारा नहीं, मतलब क्या-क्या अवेलेबल होता है, जैसे कि फ्राइज हो गया, ये सब क्या-क्या अवेलेबल होता है। तो बेवरेजेस से मैं स्टार्ट करती हूं, तो बेवरेजेस में सबसे पहले हमारा आता है ओरियो शेक, चॉकलेट शेक, वनीला शेक, स्ट्रॉबेरी शेक, बटरस्कॉच शेक एंड वगैरह वगैरह। देन हमारे वेज आइटम्स में आते हैं फ्रेंच फ्राइज, वेज फिंगर्स, देन ये सारे चीज़। और चिकन के आइटम्स या नॉन वेज के आइटम्स में आते हैं हमारा चिकन नगेट्स, जो कि मेन फूड है हमारे यहाँ का, मतलब जो भी कस्टमर्स इसको ट्राई करते हैं दे वुड लव इट, तो वही। और फिर नेक्स्ट आता है चिकन विंग्स, चिकन चीज कॉइंस, चिकन मिनी क्यूब्स एंड ये सारे। ओके, तो ये सब आपको मिल जाएगा, और मोस्ट प्रेफरेबल जो फूड है वो है चिकन नगेट्स। और डेजर्ट कोई आप रिकमेंड करना चाहेंगे? डेजर्ट में मैं बोलूंगी चॉकलेट, स्पेशल चॉकलेट आइसक्रीम, वो बहुत अच्छा है। ओके, थैंक यू। तो गाइस, आप ये सब आगे ट्राई कर सकते हैं, और इसका जो लोकेशन है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, और साथ ही साथ ये जो है लोकेटेड है इंदा के पेट्रोल पंप के जस्ट मतलब ऑपोजिट साइड में, और मतलब जो दुकान है उसके मतलब बैक साइड में, ठीक है, जो इंदा का पेट्रोल पंप है उसके ऑपोजिट, बट वो दुकान सारे उसके बैक साइड में, ठीक है। तो आप आने से पता चल जाएगा, और मैं एक नंबर यहाँ पर प्रोवाइड करवा दूँगा, तो आपको आसानी होगी। थैंक यू। तो हेलो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अभी मैंने यहाँ पे ले लिया है चिकन नगेट्स, और ये मेयो है यहाँ पे, और यहाँ पे रेड टोमेटो केचप है। तो चलिए अब इसे मैं जल्दी से टेस्ट कर लेता हूँ और दे देता हूँ आप लोगों को एक ऑनेस्ट रिव्यू। तो जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस, ये रेड जो टोमेटो सॉस है उसको इस पर स्प्रिंकल किया गया है एज अ मतलब वे टू गार्निश, और यहाँ पे मेयो को जो है एक सेपरेट कप में दिया गया है। तो अभी मैंने जो है ये थोड़ा सा पोर्शन ले लिया है, ये रेड टोमेटो केचप है, और साथ में ये मेयो है साथ में, और चिकन नगेट्स के साथ मैं इसे खाने वाला हूँ। तो भाई, इस ऑयल का जो इस्तेमाल है काफ़ी कम किया गया है, मतलब इसे हेल्थ कॉन्शियस रखने के लिए, और साथ ही साथ ऊपर का लेयर क्रंची है, और साथ ही साथ अंदर का लेयर जूसी है। तो मतलब ऐसा नहीं होगा कि डीप फ्राइड होगा, कहीं जल गया होगा, कहीं मतलब कच्चा रह गया हो, ऐसा नहीं है, मतलब ये जो है परफेक्टली फ्राइड है, जैसे कि आप देख सकते हैं, मतलब ब्राउन और थोड़ा वाइट का शेड है, मतलब कहीं भी ऐसा नहीं है कि ब्लैक हो गया। तो इसे मैं ओवरऑल रेटिंग देना चाहूँगा 8/10, ठीक है। और साथ ही साथ ये कॉस्ट इफेक्टिव है, इसका प्राइस है आपको 130 रुपीज़ देना है, और भी यहाँ पर आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, और मेन्यू मैं ठीक इस रिव्यू के बाद आपको यहाँ पर डाल दूँगा मेन्यू जो है यहाँ का वीडियो में, तो आप उसे पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर देख कर आराम से आ सकते हैं। थैंक यू।
तो गाइस ये जो है अभी यहाँ पे ये स्पेशल चॉकलेट आइसक्रीम है इनका। तो इसमें जो है जैसे कि आप देख पा रहे हैं जेम्स चॉकलेट और डार्क चॉकलेट सिरप और डेयरी मिल्क के पीसेज हैं और चॉकलेट आइसक्रीम है। तो चलिए इसे टेस्ट करते हैं और गार्निशिंग में इसे देना चाहूँगा मैं 8 out of 10 और बाकी इसे टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा कि ये असल में खाने में कैसा है। तो गाइस जेम्स ऐड करने की वजह से इसमें एक अलग फ्लेवर आ गया है और साथ ही एक क्रंची टाइप का टेस्ट आ रहा है। चॉकलेट सिरप जो है इसमें इस चॉकलेटी आइसक्रीम को और भी ज़्यादा चॉकलेटी बना रहा है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। ठीक है, तो ये डेजर्ट के लिए यहाँ पे ये बेस्ट है ओके। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा डेयरी मिल्क चॉकलेट का इस्तेमाल किया गया है। तो आई विल गिव इट अ 9 out of 10। थैंक यू।